एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कवर्धा से बड़ी खबर कवर्धा से सामने आ रही है। स्कूल बस ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। कवर्धा से रोड एक्सीडेंट की जानकारी सामने आ रही है, जहां स्कूल बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। गुरुकुल पब्लिक स्कूल की बस ने मारी टक्कर। बड़ी खबर कवर्धा से सामने आ रही है, रोड एक्सीडेंट का मामला है। गुरुकुल पब्लिक स्कूल की बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। साथ ही बता दें, बाल बाल स्कूटी सवार की जान भी बाल बाल बची। स्कूल बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, साथ ही हादसे के बाद से बस चालक फरार बताया जा रहा है। बड़ी खबर कवर्धा से सामने आ रही है, जहां पर रोड एक्सीडेंट की जानकारी सामने आई है। स्कूल बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। गुरुकुल पब्लिक स्कूल की बस ने टक्कर मारी है स्कूटी को और ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। बड़ी खबर कवर्धा से। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता रवि ग्वाल की तरफ। रवि, जानकारी मिल रही है कि स्कूल बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, स्कूटी सवार की हालात कैसे हैं और चालक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, बताना चाहूंगा कि घटना सुबह लगभग 7:30 बजे का बताया जा रहा है, जहां रामनगर निवासी सत्रोहन पिता रतिराम नामक सब्जी खरीदी के लिए मंडी के लिए निकला ही था कि सड़क पार करते वक्त तेज रफ्तार गुरुकुल पब्लिक स्कूल के बस ने स्कूटी सवार ठोक दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क में काफी लंबे निशान बन गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि है, मगर गंभीर रूप से घायल गरीब सब्जी व्यापारी के स्कूटी टुकड़ों में बट गए। वहीं सब्जी व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला राजनांदगांव रोड सुमित बाजार के समीप थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस फरार बस ड्राइवर की तलाश के साथ ही जांच में जुट गई है। जी जी रवि, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो स्कूल बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, बड़ी खबर कवर्धा से। जैसा कि हमारे संवाददाता रवि ने बताया कि जनहानि की खबर तो फिलहाल नहीं मिल पाई है। गुरुकुल पब्लिक स्कूल की बस बताई जा रही है, जिसने स्कूटी सवार को टक्कर मारी, साथ ही चालक फरार भी बताया जा रहा है।